हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्पीकर्स, आज का टॉपिक है स्पीकर्स। तो कौन सा स्पीकर्स लेना चाहिए एंड स्पीकर्स लेते वक्त क्या क्या इंफॉर्मेशन जानना चाहिए एंड कैसे वाला स्पीकर्स देखते हैं, तो क्वालिटी क्या है इसमें, क्या फीचर्स, क्या ऑप्शंस रहता है, ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बटन रहता है उस पर टैप कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करेंगे तो ज़रूर हमारे चैनल पर हेल्प होगा एंड ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाऊंगा मैं इस चैनल पर। तो स्पीकर्स हम जब भी कहते हैं, बात करते हैं, तो सबसे पहले सामने आता है 5.1 चैनल का स्पीकर, जो 5 स्पीकर्स रहते हैं उसके साथ एक जो वूफर रहता है बड़ा, तो वो वाला देख लेंगे। तो यार यही स्पीकर हम लेंगे, बहुत बढ़िया है। देखो 5-5 स्पीकर है तो कैसा साउंड आना चाहिए इसमें से। तो ये वाला बात जो है, आप सबसे पहले अपने दिमाग में ऐसे हटा दीजिए कि 5.1 चैनल इज द वन टू पिक वन, तो ऐसे नहीं है। इसमें कुछ अलग अलग चीज़ है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक डिसाइड करने में क्लैरिटी मिलेगा कि आपको कौन सा स्पीकर लेना चाहिए, तो फुल वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये स्पीकर्स कौन सा लेना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ये जानने से पहले हम थोड़ा इसका बेसिक जान लेते हैं। ब्रीफ में कहूँगा, टेक्निकल डिटेल्स नहीं जानेंगे, लेकिन ये एज ए जनरल कंज्यूमर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए वो मैं आपको जरूर दूंगा। तो सबसे पहले आप सुनिए कि चैनल्स क्या होता है, 2.1 चैनल, 5.1 चैनल एंड जो मोनो कहते हैं, जो स्टीरियो कहते हैं एंड 7.1 चैनल, ये सारा चीज़ एक्चुअली क्या है। देखिए जनरली ह्यूमन का जो ईयर, हम जो भी हम सराउंडिंग में सुनते हैं, तो वो एक्चुअली 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी रहता है, उसमें जो भी साउंड रहता है अलग अलग साउंड्स, वो सारा चीज़ हम एक्चुअली सुन सकते हैं अच्छी तरह से। तो वैसे ही स्पीकर्स में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी मैं जो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस ओवर, तो यहाँ पर जो माइक्रोफोन है इसमें एक्चुअली 2 चैनल्स में जाता है, एक तो लेफ्ट है एक तो राइट है। तो जब भी हम ईयरफोन्स प्लग इन करके आप सुन रहे हैं ये वीडियो, तो एक लेफ्ट में सुनाई देता है एक राइट में। तो जो भी मेरा फ्रीक्वेंसीज है, अगर मैं थोड़ा ऊंचे आवाज़ में बात करता हूँ तो वो अलग फ्रीक्वेंसी हो जाता है, थोड़ा धीमी गति से बात करता हूँ तो वो वाला अलग फ्रीक्वेंसी हो जाता है। वैसे ही अलग अलग साउंड्स, जो अभी बर्ड्स का साउंड्स रहते हैं वो वाला फ्रीक्वेंसी अलग होता है, वैसा ही अलग अलग जो साउंड्स रहते हैं, ये सारे साउंड्स को कैसे कवर करके कैसे स्पीकर्स में आपको सुनाई देना चाहिए, वैसे डिज़ाइन करते हैं साउंड इंजीनियर्स। तो इसमें क्या हुआ, अभी 2.1 चैनल से हम बात करते हैं स्टीरियो। तो स्टीरियो सबसे पहले बेसिक है। तो स्टीरियो में क्या होता है, ये सारा जो फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज जो हमको सुनाई देता है, वो सारा फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ स्टीरियो यानी कि लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करके सिग्नल्स को पास करते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, थोड़ा लिमिटेशंस बनता है वहाँ पर, क्योंकि सारा का सारा साउंड जो है वो सिर्फ 2 स्पीकर्स में देना है। तो कैसे देना है, इसमें कुछ लो फ्रीक्वेंसी वाला, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वाला या फिर कुछ मिड फ्रीक्वेंसी वाला मिस हो जाते हैं स्पीकर्स में आप जब भी सुनते हैं। तो इसके वजह से 5.1 चैनल आता है अभी। तो 5.1 में इनको ढेर सारा ऑप्शंस मिलता है कि 5 चैनल्स यानी कि 5 स्पीकर्स में वो डिवाइड कर सकते हैं इन सारे फ्रीक्वेंसीज को। तो कुछ फ्रीक्वेंसी में देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड जो रहता है वो सराउंडिंग एक्सपीरियंस के लिए रख सकते हैं, जो हम लेफ्ट एंड राइट का सराउंड स्पीकर्स रहता है ना, तो वो पीछे रखते हैं यूजुअली, तो वो वाला स्पीकर्स में डिवाइड कर सकते हैं सिग्नल्स को। एंड कुछ मिड फ्रीक्वेंसीज रहता है, जो वोकल्स रहता है वो वाला सेंटर स्पीकर में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे उनको ऑप्शंस मिलता है, ऐसे कंफर्टेबली वो 5 स्पीकर्स में भी डिवाइड करके अच्छा साउंडिंग एक्सपीरियंस बना सकते हैं। तो इसके वजह से थोड़ा कॉस्टलियर भी होता है 5.1 चैनल का, एंड इवन 7.1 चैनल का तो और भी कॉस्टली होता है। तो ये वाला बेसिक था कि आप जाने कि ये जो चैनल्स डिवाइड करता है वो है फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता है। तो कुछ फ्रीक्वेंसीज कुछ स्पीकर्स में सुनाई देगा एंड कुछ फ्रीक्वेंसीज और एक स्पीकर में सुनाई देगा। वैसे डिवाइड करके ओवरऑल साउंड आउटपुट जो आता है स्पीकर से वो कैसे बेहतरीन बनाए, ये वाला साउंड इंजीनियर्स डिसाइड करके स्पीकर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अभी आपने ये जान लिया कि बेसिक क्या है इसका। तो इसमें पावर क्या होता है, देखिए स्पीकर्स RMS में जो पावर लिखे रहते हैं, RMS 40 वैट्स, RMS 50 वैट्स, RMS 100 वैट्स, 150, 200, 400 वैट्स, ये RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर। तो इसका अर्थ यह है कि दिस स्पीकर इज केपेबल ऑफ 200 वैट्स RMS। अभी RMS 200 लिखा है तो 200 वैट्स RMS, लेकिन ये पीक पावर डिलीवर कर सकता है अप टू 400, डबल दी जो नंबर लिखे रहते हैं उसका डबल जो रहता है, वहां तक भी कई बार कुछ फ्रीक्वेंसीज के वजह से आपको
टू दैट वैट्स वो सपोर्ट करेगा। सो मान लीजिए कि अभी मेरा स्पीकर जो है 150 वैट्स का है, तो 150 वैट्स यानी कि अप टू 300 वैट्स ऑफ आरएमएस वो पीक पावर डिलीवर कर सकता है। तो अगर एम्पलीफायर को लगाकर साउंड स्पीकर्स को ऑन करता हूँ, साउंड आता है उसमें से, तब क्या होगा, इट इज़ केपेबल ऑफ डिलीवरिंग अप टू 300 वैट्स तक वो एक्चुअली साउंड आउटपुट दे सकता है। तो कोई भी स्पीकर्स आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए आरएमएस वैल्यू कितना है, नॉट पीएमपीओ, 1000 वैट्स पीएमपीओ, 2000 वैट्स पीएमपीओ, 10000 वैट्स पीएमपीओ जो लिखा रहता है वो वाला बिल्कुल आप मत देखिए। आप सबसे पहले उसमें देखिए कि आरएमएस वैल्यू इसका कितना वैट का है। तो ये सारा चीज़ आपको जानने के बाद तो कौन सा स्पीकर सभी लेना है, तो सबसे पहले आपका बजट ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए मैं स्पेंड कर रहा हूँ 500 रुपीज़ तो उसमें कैसा स्पीकर मिलेगा आपको पता ही है, 1000 रुपीज़ स्पेंड कर रहा हूँ तो थोड़ा 500 रुपीज़ से जो स्पीकर मिलता है उससे थोड़ा बेटर साउंड स्पीकर मिलेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इफ़ यू आर विलिंग टू बाई ए 5.1 चैनल स्पीकर, आप ध्यान में रखिए 5.1 चैनल स्पीकर का ले रहे हैं तो आई वुड से आप स्पेंड एटलीस्ट 15,000 रुपीज़, तब जाकर आपको एक्चुअली 5.1 चैनल का जैसे साउंडिंग एक्सपीरियंस रहता है वैसा वाला आपको मिलेगा। नॉट दैट देखिए अभी 7,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ या फिर 10,000 रुपीज़ में से 5.1 चैनल का स्पीकर आता है तो ऑफकोर्स आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें आप रेटिंग देखिए, यूज़र का एक्सपीरियंस देखिए एंड आप खुद सुनिए शोरूम में वो प्ले करवा के कि एक अच्छा साउंड आउटपुट दे रहा है या नहीं। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर जनरल परसेप्शन ये है कि 2.1 चैनल से ज़्यादा बेटर रहेगा 5.1 चैनल लेना, तो ये वाला बात जो है आप बिल्कुल मन में से हटा लीजिए अनलेस यू आर विलिंग टू स्पेंड 15,000 या फिर 20,000 रुपीज़ मिनिमम बजट। तो बिलो 15,000 रुपीज़ है आपका बजट तो आई वुड से 2.1 चैनल का स्पीकर लीजिए जिसमें आपको 2 स्पीकर्स मिलता है एंड 1 वूफर रहता है, तो वूफर में आपको बेस कवर कर देगा एंड जो 2 स्पीकर्स रहता है उसमें ट्विटर भी रहेगा, अगर ट्विटर नहीं है, ट्विटर यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड रहता है वो वाला कवर करने के लिए रहता है, अगर वो वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी वो स्पीकर्स बढ़िया क्वालिटी का रहेगा इफ़ यू आर स्पेंडिंग अराउंड बिलो 10,000 रुपीज़ कहिए। 2.1 चैनल का स्पीकर देखिए आप अच्छे क्वालिटी का, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसेंटली लिया लॉजिटेक का स्पीकर, उसका रिव्यू जल्द देने वाला हूँ इस चैनल पर तो बने रहिए सब्सक्राइब करके, तो वो वाला स्पीकर देखिए डिलीवर्स 200 वैट्स आरएमएस है, 2.1 चैनल का है तो इतना बढ़िया साउंडिंग आउटपुट देगा कि आप सुनने से ही आपको पता चलेगा कि वो स्पीकर कैसा है। तो ऐसे मेरे पास 5.1 चैनल का भी है, 2.1 चैनल का भी है, आई वुड से दैट माई 2.1 चैनल स्पीकर इज बेटर देन दी 5.1, नॉट बिकॉज कि वो 5.1 चैनल का जो स्पीकर है वो वाला खराब क्वालिटी का है, ऐसा नहीं, वो भी बढ़िया क्वालिटी का है, रिसर्च करने के बाद ही खरीद किया हूँ, लेकिन जो मैंने बजट उस पर स्पेंड किया है उससे थोड़ा ज़्यादा 2.1 चैनल का है, तब आप मान लीजिए कि 2.1 चैनल बहुत ही बढ़िया साउंड आउटपुट देता है। तो इसके वजह से इफ़ यू आर विलिंग टू स्पेंड 15,000 रुपीज़ या फिर मोर देन दैट, तब जाकर आप 5.1 चैनल पर देखें एंड इफ़ यू आर स्पेंडिंग बिलो 15,000 रुपीज़ आई वुड सजेस्ट कि 2.1 चैनल पर ही लीजिए, क्योंकि मान लीजिए अभी 7,000 रुपीज़ देकर आप एक 5.1 चैनल का स्पीकर लेकर आते हैं, तब क्या होगा, आप कहाँ पर प्लेस करेंगे स्पीकर्स, 5 स्पीकर्स रहता है प्लस 1 सबवूफर रहता है, तो कहाँ पर प्लेस करेंगे, दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, स्पीकर्स कहाँ पर कैसे प्लेस करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहता है, आपको एक अच्छा साउंडिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो 5.1 चैनल का अगर लेंगे तो सेंटर स्पीकर जो रहता है वो टीवी के नीचे रखना है या फिर टीवी के ऊपर ही कहिए, क्योंकि उससे क्या होता है वोकल्स जो भी रहता है मिड फ्रीक्वेंसीज में वोकल्स वॉइस का जो रहता है वो वाला उसमें सुनाई देगा, तो टीवी देख रहे हैं तो वॉइस ही तो सुन रहे हैं ना, तो इसके वजह से अगर वॉइस अच्छा सुनना चाहिए तो बिलो टीवी रहता है तो नेचुरल एक्सपीरियंस मिलेगा, तो सेंटर स्पीकर वहाँ रखते हैं, लेफ्ट एंड राइट स्पीकर उसके बाजू में रखते हैं, तो और दो स्पीकर्स रहते हैं वो कहाँ पर रखेंगे, यूजुअली जब भी मैं किसी घर पर देखता हूँ तो उसके ऊपर ही रख देते हैं बिकॉज ऑफ द स्पेस कॉन्स्टेंट, तो ऐसे लगाकर आप स्पीकर को सुनेंगे तो बेकार का एक्सपीरियंस मिलेगा एंड आप 7,000 रुपीज़ स्पेंड किए उस स्पीकर को तो भी बेकार ही है वो, तो इसके वजह से जो सराउंड स्पीकर्स लेफ्ट एंड राइट का जो लास्ट स्पीकर्स रहता है वो वाला आपको रखना है बिहाइंड द काउच, जहाँ पर आप बैठ रहे हैं, जहाँ पर बैठकर सुनते हैं यूजुअली उसके पीछे ऐसे रखना है या फिर साइड में ऐसे रखना है, तो ऐसे आपको साउंडिंग स्पीकर्स को प्लेस करना है, ना कि सारा का सारा वहीं फिक्स कर दिया है, अरे यार 5 स्पीकर है उधर ही ऊपर नीचे रख दो बहुत ही बढ़िया जोर जोर से साउंड आता है, ऐसे वाला अगर स्पीकर लेना चाहते हैं ऐसे फिक्स करते हैं तो आई कैनॉट से मच, आपका चॉइस है वो कहाँ पर चाहिए वहाँ पर रखिए, लेकिन वो एक्चुअल में अच्छा साउंडिंग क्वालिटी नहीं देगा।
तो सराउंड साउंड चाहिए, इसके लिए आप 5.1 चैनल का स्पीकर लेकर आए हैं एंड आप ठीक से प्लेस नहीं कर रहे हो तो वो बिगाड़ देगा साउंडिंग एक्सपीरियंस को, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो इसके वजह से मैं सजेस्ट करूंगा इफ़ यू हैव एम्पल स्पेस तब जाकर आप 5.1 चैनल लेकर ठीक से प्लेस करके आप एंजॉय कीजिए साउंड एक्सपीरियंस। तो इसलिए अगर आप 2.1 चैनल का स्पीकर लेंगे तो इट इज इजियर। देखिए दो ही स्पीकर रहते हैं, आराम से टीवी के आजू बाजू रख सकते हैं एंड उसके नीचे जो है वो आप सब ऊपर प्लेस कर दीजिएगा, तब जाकर आपको एक बेटर साउंड एक्सपीरियंस भी मिल सकता है, क्योंकि वो 2.1 चैनल का 7000 रुपीज स्पेंड करके भी आप एक अच्छा क्वालिटी का लेकर आएंगे एंड उसमें बहुत ही अच्छा वो इम्प्लीमेंट किए रहते हैं ताकि आपको एक अच्छा साउंडिंग एक्सपीरियंस मिले। जैसा कि मेरा लॉजिटेक का स्पीकर, जैसे मैंने कहा जल्द ही रिव्यू आने वाला है इसका 2.1 चैनल का, तो बने रहिए सब्सक्राइब करके। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे जाकर आप स्पेंड कीजिए स्पीकर्स लेने के लिए, ना कि 5000 रुपीस में 5.1 चैनल वाला मिल रहा है चलो लेकर आते हैं, ऐसे मत कीजिएगा। देखिए आप साउंड को सुनिए वहाँ पर शोरूम पर कैसे आता है करके, प्लग इन करके अपना जो फेवरेट म्यूजिक आप बार बार सुने रहते हैं हेडफोन्स पर या फिर ईयरफोन्स पर, वैसे वाला म्यूजिक आप उसमें प्ले करके आप देखिए कि कौन सा अच्छा आता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ऐसे शोरूम गया था कुछ अदर डिवाइस बाय करने के लिए, वहाँ पर जो 5.1 चैनल का था उसमें एक ऑफर चल रहा था, 20,000 रुपीस का स्पीकर जो है वो 10,000 रुपीस में दे रहे थे। नॉन ब्रांड है, दिस इज नॉट कि कोई अननोन ब्रांड है, ऐसा चाइनीज ब्रांड है वैसा नहीं, अच्छा ब्रांड का था वो एक्चुअली। तो मैंने ऐसे ही उसको बोला कि प्ले करके दिखाओ स्पीकर्स कैसा है 5.1 चैनल का, 10,000 में मिल रहा है जो 10,000 रुपीज़ ऑफ है। तो इतना घटिया एक्सपीरियंस साउंड था उसका, मैंने ढेर सारे सॉन्ग्स भी प्ले करके देखा कि कैसा आता है 5.1 चैनल का, 10,000 रुपीज़ जो 20,000 का है वो 10,000 में मिल रहा है तो कैसा आता है इसमें। तो बहुत ही बेकार का साउंड एक्सपीरियंस था उसमें, जो वूफर के लिए वुडन बॉक्स था वो बिल्कुल, उसमें जो कैसे भी मैग्नेट का स्पीकर्स लगाया है वो बिल्कुल घटिया था, लो क्वालिटी था, तो ऐसे आपको चीट कर दिया जाएगा। तो इसके वजह से आप 5.1 चैनल ही मन में रख के स्पीकर्स को खरीदी ना कीजिएगा, आप थोड़ा नॉलेज बढ़ाकर थोड़ा देखकर प्ले करके 2-3 सॉन्ग्स वैरायटी का अगर आपको अच्छा लगता है तब जाकर स्पीकर्स को लीजिए। तो इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा, अगर है तो लाइक करना ना भूले एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्पीकर्स के रिलेटेड डोंट हेजिटेट टू लीव इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी देखे कि वो भी जाने कि कैसा स्पीकर्स लेना चाहिए। या मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।